यस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष वर्क का पार्ट टू लेकर आया हूं। मैं सभी विद्यार्थियों का एग्जाम शिविर एकेडमी के इस एग्जाम शिविर स्कूल के इस चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं जयदीप आपके सामने आज वर्क का पार्ट टू लेके आ रहा हूं। कल अपन ने चर्चा की थी वर्ब के बारे में कि वर्ब जो है वो लैटिन लैंग्वेज का एक शब्द होता है वर्बम, जिससे निकला हुआ एक छोटा सा शब्द है। और वर्ब को सेंटेंस और क्लोज का एक ऑब्लिगेटरी एलिमेंट बताया था। वर्ब जो होता है वो एक सेंटेंस और क्लोज की बैकबोन होती है। बिना वर्ब के अपन कभी सेंटेंस की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। उन चीजों को अपन ने देखा था। वर्ब कैसे ऑब्लिगेटरी एलिमेंट है, बिना वर्ब के अपन किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस या क्लोज कह ही नहीं सकते हैं, ये बात करी थी अपन ने। उसके बाद अपन ने वर्ब क्या चीजें एक्सप्रेस करती हैं, एक्शन एक्सप्रेस करती हैं, इवेंट एक्सप्रेस करती हैं, हैपनिंग एक्सप्रेस करती हैं, प्रेपचुअल टेंस स्टेटिव, उन सारी चीजों को एक्सप्रेस करती है। उसके बाद मैंने ये बताया था कि सेंटेंस के अंतर्गत मैक्सिमम कितनी वर्ब हो सकती है और एटलीस्ट कितनी वर्ब होती है। मैक्सिमम सेंटेंस के अंतर्गत मैंने बताया था 5 वर्ब होती है। और वर्ब को एक्शन बताया था, प्रेडिकेटर बताया था, प्रेडिकेट बताया था, प्रेडिकेशन बताया था। प्रेडिकेट कब बोलेंगे, प्रेडिकेटर कब बोलेंगे और प्रेडिकेशन कब बोलेंगे, इन चीजों के बारे में अपन डिस्कस कर चुके थे। और उसके बाद आज अपन पार्ट टू के अंदर शुरू करने जा रहे हैं। देखिएगा वर्ब को आगे एक्सटेंड, देखिएगा वर्ब को अपन मुख्यतः कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। देखिएगा बहुत अच्छे से चीजों को समझिएगा मैं जो समझाना चाहूँ। वर्ब को अपन देखेंगे मित्रों, एक तो अपनी होती है मेन वर्ब और एक अपनी होती है हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग। मेन वर्ब किसे कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, इन चीजों को देखिएगा अच्छे से। ठीक है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत अंतर क्या होता है, मेन वर्ब कहते किसे हैं, उन चीजों को आपको अच्छे से समझना। इस मेन वर्ब को अपन एक दूसरा नाम दे सकते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी बोलते हैं। कैसी वर्ब बोल सकते हैं इसको अपन, ऑर्डिनरी वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी। ठीक है, मेन वर्ब को अपन एक दूसरा नाम क्या देते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी बोलते हैं। और इसको हेल्पिंग वर्ब को अपन दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, स्पेशल वर्ब भी बोल सकते हैं। उसके बाद इसको अपन एनामुलस वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनामुलस। एनामुलस वर्ब भी बोला जाता है, स्पेशल वर्ब भी बोला जाता है और हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। और इसको अपन फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं, और भी उसको अपन फर्दर देखेंगे। लेकिन अपन मेन वर्ब को अपन कैसी वर्ब बोलते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब। मैंने कल आपको रेगुलर और इररेगुलर वर्ब भी बताया था, लेकिन वो किसके दृष्टिकोण से बताया था, मेन वर्ब के दृष्टिकोण से। मेन वर्ब को रेगुलर कब कहते हैं, इररेगुलर कब कहते हैं। रेगुलर तब कहा जाता है जब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, जब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है उस समय इसको रेगुलर बोलेंगे, और जब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होती है तब इसको अपन इररेगुलर वर्ब बोलेंगे। लेकिन इसको अपन ऑर्डिनरी वर्ब भी बोलते हैं। ऑर्डिनरी वर्ब और स्पेशल और एनामुलस में क्या अंतर होता है, मैं वो मैं आपके सामने स्पष्ट करूंगा, लेकिन उससे पूर्व में देखिएगा, मैं सबसे पहले बात करता हूं मेन वर्ब की। मेन वर्ब्स को फॉर्म्स में, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, 5 फॉर्म होती है वर्ब्स की। कितनी फॉर्म होती है मित्रों, 5 फॉर्म। 5 फॉर्म जैसे भी मैंने आपके सामने लिख दिया, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। ठीक है, समझना है चीज को। देखो, गो जिसको अपन ने क्या बोला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
इसको अपन क्या बोलेंगे, इसका प्रॉपर नाम क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म। क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है आपके सामने, प्रेजेंट फॉर्म। वेंट को अपन कैसे फॉर्म बोलेंगे, पास्ट फॉर्म। क्या बोलेंगे वेस्ट को, वेंट को, पास्ट फॉर्म। गॉन को अपन क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे गॉन को, पास्ट पार्टिसिपल। और गोइंग को अपन क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक। और इसको अपन क्या बोलेंगे, एस या ईएस फॉर्म भी बोलते हैं इसको अपन, और बेस फॉर्म भी बोला जाता है। कैसी फॉर्म बोला जाता है, एस या ईएस फॉर्म या बेस फॉर्म भी इसको बोला जाता है। वर्ब की, मेन वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है, पास्ट फॉर्म होती है। इसको अपन बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, इसको अपन बोलते हैं पास्ट फॉर्म, इसको अपन बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, इसको बोलते हैं अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और इसको बोलते हैं अपन एस या ईएस फॉर्म या बेस फॉर्म। ठीक है। तो अपन को गो होता है, उसका गो का प्रॉपर नाम क्या होता है, तो क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म। अक्सर बच्चे इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बोलते हैं, लेकिन इसको क्या बोला जाता है, प्रेजेंट फॉर्म। वेंट को पास्ट फॉर्म, गॉन को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोला जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को जब भी हैज हैव के बाद V3 लगती है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है उसे पास्ट फॉर्म बोलते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। अब गोइंग को अपन क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के भी अलग अलग फंक्शन है पार्टिसिपल के। ये एज अ जेरंड यूज होती है, एज अ जेरंड नाउन यूज होती है, और यह प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह भी फंक्शन करती है। ठीक है। एक एडजेक्टिव का फंक्शन करती है, एक जेरंड की तरह एज अ नाउन फंक्शन करती है, और एक मैन वर्ब की तरह भी फंक्शन करती है। ठीक है। गोज जो होता है वो आपकी बेस फॉर्म है, और एस या ईएस फॉर्म कहते हैं इसको। तो ये अपनी मेन वर्ब जो होती है उसकी जो पांच फॉर्म्स है, उन पांच फॉर्म्स के अलग अलग जो नाम है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और बेस फॉर्म या एस या ईएस फॉर्म। ये पांच प्रकार मैंने आपको बताया। और इसको अपन कैसी वर्ब कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं। कैसी वर्ब कहते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं मेन वर्ब को। और हेल्पिंग वर्ब को अपन कैसी वर्ब कहते हैं, एनामुलस वर्ब बोलते हैं। ठीक है। ये अपनी कैसी वर्ब है, मेन वर्ब। ठीक है। और ये अपनी कैसी है जिसको अपन क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो यहां पर अपन ने वर्ब को क्लासिफाई किया है इस तरीके से, आप देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भी अच्छे से आप ले सकते हो। ठीक है। मैंने वर्ब के बारे में आपको ये चीज बेसिक बताई, लेकिन इसको अपन ऑर्डिनरी वर्ब कब बोलते हैं और एनामुलस वर्ब कब बोलते हैं उसके बारे में अपन को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इन चीज को देखिएगा, इसको अपन ऑर्डिनरी कब बोलेंगे और एनामुलस कब बोलेंगे। ठीक है। मैंने लिखा है एनामुलस वर्ब और ऑर्डिनरी वर्ब। ठीक है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, वही चीज है। ठीक है। अब देखिएगा, मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं, एग्जाम्पल के माध्यम से अपन इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है। मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा कि ही हैज अ कार। ठीक है। ही हैज अ कार। एक एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखा आपके सामने, ही हैज Finished his lunch. मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखे। इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, मेन वर्ब को अपन ऑर्डिनरी क्यों बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब को अपन स्पेशल या एनामुलस क्यों बोलते हैं। वो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो देखो मित्रों, की हैज जो है आपका वहां पर, ये जो हैज है, मैं इन दोनों हैज की बात करूं, ये जो हैज है इसको अपन कैसी वर्ब बोलते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब बोलते हैं। कैसी वर्ब बोलते हैं, ऑर्डिनरी। मतलब जब भी आपके सेंटेंस के अंतर्गत एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है, लेकिन एक ही वर्ब होती है, आपने इस हैज को दो फंक्शन करते हुए देखा होता है,
अभी भी देखोगे, अभी मैंने एग्जांपल दो फंक्शन करते हुए बताया, एक तो हैज यहां पर है और ये हैज है, इन दोनों हैज का यूज अलग अलग है। यहां पर ये जो हैज है मित्रों वो किस कैसे वर्ब की तरह काम कर रहा है, ऑर्डिनरी वर्ब की तरह, और इस ऑर्डिनरी वर्ब को अपन क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। उसके बाद अपन देख रहे हैं कि ये जो हैज है, ये हैज जो है वो यहां पर एनामुलस वर्ब या स्पेशल वर्ब की तरह काम कर रहा है। कौन सी वर्ब की तरह काम कर रहा है? एनामुलस वर्ब या स्पेशल वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये जो है अपना वो किसकी तरह काम कर रहा है? एनामुलस वर्ब या स्पेशल वर्ब की तरह काम कर रहा है। देखिएगा, इसको थोड़ा एरो बनाकर लिखता हूं। ये जो चीज है आपके सामने, ये जो हैज है, कैसे इसको अपन एनामुलस या स्पेशल वर्ब बोलते हैं। कैसी वर्ब बोलते हैं? एनामुलस वर्ब या स्पेशल। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस, जब भी आपके सेंटेंस के अंतर्गत सिर्फ एक ही वर्ब है तो वो किसकी तरह काम करेगी? मेन वर्ब की तरह। किसकी तरह काम करेगी? मेन वर्ब। आप इसमें सिंपल सा ये ध्यान रख सकते हो कि अगर आपके घर में आपकी मम्मी, आपके पापा और आप तीन लोग हैं, आपके पापा की अनुपस्थिति में आप क्या बन जाते हैं? मेन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मेन। लेकिन पापा जब तक है तब तक तो मेन कौन है? पापा ही होते हैं। तब तक घर में किसी भी प्रकार का किसी भी डील को करना है, चाहे किसी को पैसे देने हैं, लेने हैं, कैलकुलेशन करना है, घर में किसी प्रकार की बात होती है, परिवार में कहीं जाना होता है, समाज में कहीं जाना होता है, तो पापा की उपस्थिति में वो सारी जिम्मेदारी पापा की रहती है। लेकिन जब भी अगर पापा नहीं रहते हैं, पापा की अनुपस्थिति में, उस कार्य को कौन करता है? बेटा करता है। तो बेटा क्या बन जाता है? मुख्य बन जाता है। उसी तरह यहां पर इस ये जो हैज है इसको मैंने एनामुलस और स्पेशल कहा। हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, इसको और क्या बोल सकते हैं अपन? हेल्पिंग वर्ब। तो ये जो यहां पर क्या है, पापा उपस्थित है ना, अभी मेन वर्ब है इस सेंटेंस के अंतर्गत। इस सेंटेंस के अंतर्गत क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब। इसको अपन कर सकते हैं डिसाइड, हैज हेल्पिंग वर्ब है और फिनिश्ड मेन वर्ब है। क्यों? बिकॉज ऑफ द आपके, आप मेन कब बनोगे? जब आपके पास सबोर्डिनेट होगा, जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक है, अब हेल्पिंग कब बनेगी? जब मेन होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि ये जो हैज है उसको अपन ने कैसी वर्ब का? ऑर्डिनरी। क्योंकि ये हैज है वो यहां पर एनामुलस वर्ब या स्पेशल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। किसकी तरह कर रहा है? मेन वर्ब की तरह। क्यों? क्योंकि जैसे भी मैंने कहा, यहां पर ही की जगह, यहां पर ही की जगह पर आई को कर देंगे तो इसकी जगह अपन को क्या करना पड़ेगा? हैव करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको टेंस बदलोगे, ये तो मैंने क्या बदला? सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से सब्जेक्ट के आधार पर मैंने उसको बदला। अगर मैं उसको टेंस के हिसाब से बदलूंगा तो इस हैज का क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेड हो जाएगा। हैज का क्या कर देंगे? उसी तरह आपको पता होता है सेंटेंस होता है आई राइट अ लेटर, तो राइट टेंस बदलूंगा तो रॉट हो जाएगा। मेन वर्ब का फंक्शन यहां पर हैज ही कर रही है, क्योंकि मेन वर्ब तब तक है, मतलब मेन वर्ब जो होती है वो सेंटेंस में, मैं एक लाइन कह सकता हूं कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब एक ही वर्ब अगर होगी तो वो मेन वर्ब ही कहलाएगी। सेंटेंस में दो वर्ब होगी तो एक हेल्पिंग वर्ब होगी और एक मेन वर्ब होगी, लेकिन जब भी सेंटेंस में एक ही वर्ब होगी तो वो क्या कहलाएगी? मेन वर्ब कहलाएगी। चाहे आपको इज एम आर क्यों न मिले, चाहे आपको हैव हैव क्यों न मिले, लेकिन वो किसका फंक्शन करेगी सेंटेंस के अंतर्गत? मेन वर्ब का फंक्शन करेगी। आई बात समझ में? जैसे कि आप किसी भी एग्जांपल को ले सकते हो, जैसे मैंने यहां पर कह दिया कि सिंपल सी बात, मैंने ही इज अ टीचर बोल दिया, ही इज अ टीचर, सिंपल सी एग्जांपल। तो यहां पर क्या है कि यहां पर ये जो इज है ना, वो यहां पर आपने तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में देखा है, ये क्या बन जाती है? मेन वर्ब का फंक्शन करती है, क्योंकि यहां पर कोई हेल्पिंग है ही नहीं, इसलिए ये किसका फंक्शन करेगी? मेन वर्ब का फंक्शन करेगी। तो यहां पर ये इज है वो किसकी तरह काम कर रहा है? लेकिन मैं इसी सेंटेंस को अगर ऐसे लिख दूं कि ही इज टीचिंग मैथ, है ना, मैंने यहां लिख दिया वह मैथ पढ़ाता है, तो यहां पर ये जो इज है वो किसका काम कर रहा है? यहां पर ये इज हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, बिकॉज ऑफ आपके पास मैन है तब तो हेल्पिंग वर्ब होगी, इसलिए अपन इसको अपन क्या करते हैं? मेन वर्ब। आज भी कहीं बार मैंने देखा है कई बच्चे इस चीज को सीधी एक ही वर्ब आती है, ही इज अ टीचर में बच्चे इस को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इज जो होती है उसको मेन वर्ब बोला जाता है।
कैसी वर्ब, और उसको और फर्दर देखा जाए वो मैं आपके सामने चर्चा करूंगा, उसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो यहां पर ये मेन वर्ब है लेकिन यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, जिस पर मैंने बताया हैज, हैज यहां पर क्या है मेन वर्ब है, और उसको क्या बोला ऑर्डिनरी वर्ब, और ऑर्डिनरी वर्ब को ही क्या बोला जाता है मेन वर्ब, और यहां पर हैज जो है वो क्या एनामुलस है और स्पेशल वर्ब है, एनामुलस और स्पेशल, इसको क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसके पहले क्या है मेन वर्ब है। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि यहां पर ये जो हैज है, हैज के बाद कोई भी वर्ब हो, इज एम आर हो, हैज है, कुछ भी हो, ठीक है, किसी प्रकार का एग्जाम्पल मैं आपके सामने, एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं, आप इतना में इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आई डिड इट, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, आई डिड नॉट डू इट। अब ये दो एग्जाम्पल लिखे, इन दोनों एग्जाम्पल में एक ये डीड है और एक ये डीड है, इन दोनों डीड में अंतर है। इस डीड को अपन क्या कहेंगे ऑर्डिनरी वर्ब बोलेंगे, कैसी वर्ब बोलेंगे ऑर्डिनरी या मेन वर्ब, और इस डीड को अपन क्या बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब। आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को ही समझो, बात एक ही है, नाम मैंने अलग अलग बता दिए, वो अलग चीज है, समझिएगा। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो मेन वर्ब का फंक्शन ही वही करेगी। आई डिड इट, मैंने यह किया, आई डिड नॉट डू इट, मैंने यह नहीं किया। अब यहां पर ये डू है ना वो मेन वर्ब है ना, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब या स्पेशल वर्ब या एनामुलस वर्ब बोला जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कब बोला जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब नहीं हो सकती, हो सकती है, भले वो हेल्पिंग वर्ब है, भले वो एनामुलस है, भले वो स्पेशल है, भले वो प्राइमरी एक्सिलरी है, लेकिन वो आपकी मेन वर्ब हो सकती है, डिपेंड अपन द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदरगत जब एक ही वर्ब होगी, एक ही, तो आप आंख मीच कर कह सकते हैं कि ये मेन वर्ब का काम, किसका काम कर रही है, किसका फंक्शन कर रही है, ये मेन वर्ब का फंक्शन कर रही है, ऐसा अपन इजीली कह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में एक चीज आपको आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मैंने कहा कि आई गो टू स्कूल डेली, एक एग्जाम्पल समझना, आई गो टू स्कूल डेली, सिंपल सा सेंटेंस, समझना इस चीज को आपके सामने जो मैं आपको बता रहा हूं, आई गो टू स्कूल डेली, अब ये जो गो होता है आपका, ये दो चीजें निकालता है, कितनी चीजें निकालता है, दो चीजें, क्या कैसे, ये गो जो होता है वो कितनी चीजें निकालता है, दो, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश में अपन डू डज, डू जो फॉर्म होती है, डू फॉर्म जो होती है, इसको अपन कैसी वर्ब बोलते हैं पता है आपको, डमी वर्ब बोलते हैं, कैसी वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में इसको, डमी वर्ब, जब इसकी आवश्यकता होती है तब इसका उपयोग किया जाता है, जब इसकी आवश्यकता नहीं होती है तब उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। इसकी जरूरत कब पड़ती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के और सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसों के अंतर्गत अपन डू डज डीड का उपयोग करते हैं, लेकिन अफर्मेटिव के अंतर्गत इसका उपयोग नहीं करते, इसलिए इनकी जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग करते हैं और फिर उसको हटा देते हैं। तो ये कैसी वर्ब कहलाती है, डमी वर्ब। डमी वर्ब की तरह डमी सब्जेक्ट भी होते हैं, देयर और हियर का भी यूज कर अपन बोलते हैं, ठीक। और यहां पर तो ये जो क्या है डमी, जस्ट मैंने कहा कि जैसे गो में मैंने निकाला, आपको कोई दिख नहीं रहा होगा डू, और मैंने यहां लिखा गो, तो यहां पर आपकी ये जो डू होती है, ये जो डू होती है वो आपकी कैसी वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। कैसी वर्ब होती है, फाइनाइट। फाइनाइट वर्ब क्या होती है वो मैं आपको समझाने वाला हूं, इसको ऊपर हेल्पिंग वर्ब की तरह बोल सकते हो, और ये जो वर्ब होती है वो आपकी कैसी वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। कैसी वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, क्योंकि इस सेंटेंस को मैं नेगेटिव लिखूंगा तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली, I don't go to school daily, क्या बन गया। तो जब इसको ऐसा अपन लिखेंगे तब do not go, do अलग आ गया और go आ गया, तो ये डमी है, आवश्यकता होने पर उसका उपयोग किया जाता है, आवश्यकता नहीं है तो उसका उपयोग बिल्कुल ही नहीं किया। बात आपको समझ में आई होगी,
मैंने किसकी बात करी अभी, मेन वर्ब की बात करी है। आपके सामने मैंने अभी जो भी चर्चा करी है वो किसकी चर्चा करी है, मेन वर्ब की चर्चा करी है, ठीक है, मेन वर्ब के फॉर्म्स के बारे में। अब मैं आगे बात करता हूं आपके सामने हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। देखिएगा, मैंने वर्ब को सर्वप्रथम कितने भागों में डिवाइड किया था, दो भागों में। कितने भागों में डिवाइड किया था, दो भागों में। उसमें एक तो अपने क्या थी, मेन वर्ब, इसको तो अपन ने पढ़ लिया, इसको अपन ने क्या कर लिया, पढ़ लिया। लेकिन नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग वर्ब। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को मित्रों कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में। कितने भागों में बांटा जाता है, हेल्पिंग वर्ब को अपन कितने भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में। देखिएगा चीजों को अच्छे से, कौन कौन से दो भाग। हेल्पिंग वर्ब को अपन कितने भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में। एक तो अपन इसको बोलते हैं प्राइमरी एक्सिलरीज और एक क्या बोलते हैं, मॉडल एक्सिलरी। एक होती है अपनी प्राइमरी एक्सिलरी और एक अपनी होती है मॉडल एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरीज और होती है अपनी मॉडल एक्सिलरीज। ठीक, दो भागों में इसको बांटते हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। देखो मॉडल एक्सिलरीज, देखो अपन वर्क को ऐसे भी देख सकते हैं, वर्क को देखने के बहुत अलग अलग तरीके हैं इसको। लेकिन देखो अपन ये भी कहते हैं हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो दो चीजें बताती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो दो चीजें बताती है। मैं कह सकता हूं कि ये जो प्राइमरी एक्सिलरीज जो होती है वो कौन कौन सी चीजों को बताता है, एस्पेक्ट को बताती है। किसको बताती है, एस्पेक्ट को बताती है, टेंस को बताती है। किसको बताती है, एस्पेक्ट और टेंस को। कौन, प्राइमरी एक्सिलरीज जो होती है वो किन चीजों को बताती है, एस्पेक्ट और टेंस को, टेंस और एस्पेक्ट को बताती है। लेकिन मॉडल एक्सिलरीज है वो किसको बताती है, मॉडल एक्सिलरीज आपको मूड को बताती है। किसको बताती है बेटा, मॉडल एक्सिलरीज मूड को बताती है। ये चीज आपको टेंस और एस्पेक्ट को बताती है, और मॉडल एक्सिलरीज जो होती है वो किसको बताती है, मूड को बताती है। ठीक है, अब प्राइमरी टोटल अपनी एक्सिलरीज कितनी होती है, टोटल हेल्पिंग वर्ब्स कितनी होती है, मैंने आपको कहा था 24। कितनी होती है टोटल, 24। अपने टोटल हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है, 24। मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्लोज वर्ड क्लास में गिनते हैं। किस में गिनते हैं, क्लोज वर्ड क्लास में। क्यों क्लोज वर्ड क्लास में गिनते हैं, मैंने आपको उसका एग्जांपल अभी स्पष्ट होगा, बिकॉज ऑफ ये लिमिटेड है मित्रों। ये क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स जो चीजें होती है उनको अपन क्लोज वर्ड क्लास में गिनेंगे, और जो फिक्स नहीं होगी उसको अपन ओपन वर्ड क्लास में गिनेंगे। ठीक है, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिलेट करते हुए अभी भी मैं ये बात कर रहा हूं, मैं वर्ब को पढ़ा रहा हूं। 24 होती है, कितनी होती है, 24 आपकी होती है। उसको दो भागों में बांटा जाता है, एक तो प्राइमरी एक्सिलरी और एक मॉडल एक्सिलरी। अब प्राइमरी एक्सिलरीज कितनी होती है अपनी, प्राइमरी एक्सिलरीज आपकी होती है मित्रों 11। कितनी होती है, 11 जो होती है वो आपकी क्या होती है, प्राइमरी एक्सिलरीज होती है। 11 आपकी क्या होती है, प्राइमरी एक्सिलरीज। ठीक है, और बाकी 13 और 11 24, 13 और 11 कितने होते हैं, 24। तो आपकी जो 13 बचती है वो आपकी क्या होती है, मॉडल एक्सिलरीज होती है। अब कौन कौन सी, मैंने कहा ये फिक्स होती है, ये लिमिटेड होती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, क्लोज वर्ड क्लास कहा जाता है। जैसे आपको पता होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड,
डू डज और डिड, गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये जो 11 जो होती है वो आपकी कैसी एक्सिलरी होती है, प्राइमरी एक्सिलरी होती है, ठीक है। ये किन किन चीजों को बताती है मित्रों, टेंस को और एस्पेक्ट को बताती है। किसको बताती है, टेंस और एस्पेक्ट को बताती है। और आपकी जो मॉडल एक्सिलरी होती है वो थ्रेटिंग होती है, ये किस किस को बताती है, ये मूड को बताती है, ये किसको बताती है, मूड को, इट एक्सप्रेस मूड, है ना, ये क्या बताती है। और मॉडल हमेशा क्या काम करते हैं, सेंटेंस को शॉर्ट करने का काम करते हैं, सेंटेंस को शॉर्ट करने का काम करते हैं। जब भी अपन मॉडल पढ़ेंगे उस समय ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं वर्ब को समझा रहा हूं तो उसके इसको मैं ज्यादा इलोबरेट करूंगा, ज्यादा डीप अगर मैं जाऊंगा तो फिर कंफ्यूजन पैदा होगा, है ना, इसलिए इन चीजों को फर्दर एक एक को लेकर अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मॉडल एक्सिलरीज होती है, जैसे मैंने कहा कैन कुड मे माइट, मे और माइट, विल वुड, शैल should, must, ought to, must के बाद मैंने यहां लिखा ought to, उसके बाद लिखा मैंने dare, need और used to, और used to, ठीक है। ये टोटल होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 जो आपकी वो होती है, वो क्या होती है, मॉडल एक्सिलरीज होती है, ठीक है। मैं मॉडल एक्सिलरी को आगे मैं बताता हूँ, उसको लिखूंगा व्यवस्थित तरीके से, आपको समझ में आएगा, देखना है। जैसे मैंने मॉडल एक्सिलरीज की मैं बात कर रहा हूँ, या सेकेंडरी एक्सिलरीज जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मॉडल एक्सिलरीज, ठीक है, या उसको अपन दूसरा नाम क्या हो सकता है मित्रों, सेकेंडरी, सेकेंडरी एक्सिलरीज भी इसको बोलते हैं। कैन कुड मे माइट, ठीक है, विल वुड, शैल, शुड, मस्ट, ओट टू, ठीक है। दो चार छ आठ और दस, बाकी कितनी बचती हैं, 3 13, कौन कौन से होते हैं देखना, डेयर, नीड और यूज्ड। देखो मित्रों, इनको अपन डेयर, नीड और यूज्ड टू, इनको अपन इंग्लिश के अंतर्गत सेमी मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेमी मॉडल, क्या कहा जाता है, सेमी मॉडल भी कहा जाता है। और इसका एक दूसरा नाम होता है क्वासी मॉडल, इसको अपन क्वासी मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी मॉडल भी कहा जाता है और क्वासी मॉडल भी कहा जाता है, इसका नाम होता है। सेमी मॉडल क्यों कहा जाता है, क्वासी मॉडल क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये जो होती हैं वह मॉडल के साथ साथ वह एक मेन वर्ब की तरह भी फंक्शन करती है सेंटेंस में, इस हिसाब से इनको क्वासी मॉडल और सेमी मॉडल कहा जाता है। और ये अपने जो 10 मॉडल होते हैं, कैन का पास्ट वुड, मे का पास्ट माइट, विल का पास्ट वुड, शैल का पास्ट शुड, मस्ट और ओट टू, ये अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो अपनी मॉडल एक्सिलरीज होती है, उसके पहले मैंने आपको ये जो 13 है वो आपकी कौन सी एक्सिलरीज है, मॉडल एक्सिलरीज, जिसको अपन सेकेंडरी एक्सिलरी बोलते हैं, और 11 जो होती है वो आपकी प्राइमरी एक्सिलरीज होती है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने बताई थी, 11 इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड। ये अपनी जो 11 जो होती है वो आपकी प्राइमरी एक्सिलरीज होती है। तो अपन ने हेल्पिंग वर्ब को कितने भागों में बांटा, 2 भागों, कौन कौन सी, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल। समझ में आया होगा, मैंने अभी आपको जो क्लोज वर्ड क्लास में अपने मेन वर्ब ओपन वर्ड क्लास में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्लोज वर्ड क्लास में,
उनको मैंने उसका फर्दर क्लासिफिकेशन करते हुए मैंने इन चीजों को आपके सामने बताई। अब अपन देखेंगे आगे वर्ब के बारे में। वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझना। वर्ब होती क्या, ये जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन जितनी भी दी, देखिएगा ये चीज ये मैंने यहां पर बताई आपको। प्राइमरी एक्सेलरीज बताई जो 11 होती है, ठीक है। जो प्राइमरी एक्सेलरीज क्या बताती है, टेंस और एस्पेक्ट बताती है। क्या बताती है, टेंस और एस्पेक्ट बताती है। लेकिन मॉडल एक्सेलरीज जो होती है वो आपको क्या बताती है, मूड बताती है। देखा कैसे, टेंस और एस्पेक्ट मैंने एग्जांपल लिखा है यहां पर, देखिएगा। ये मैंने बात की, मैंने कहा कि शी इज going to out of station, ठीक है। She is going to out of station, वह कहां जा रही है, बाहर जा रही है, out of station। तो यहां पर ये जो is है वो क्या बता रही है, देखो मैंने कहा था, एक चीज बताई थी यहां पर पीछे, aspect। aspect किसे कहते हैं पता है आपको, अभी पता चलेगा aspect किसे कहते हैं, समझना। यहां पर क्या है कि शी इज गोइंग टू आउट ऑफ स्टेशन, वह आउट ऑफ स्टेशन जा रही है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा मैं, ठीक है, मैं आगे इसको मैं चेंज करता हूं, बहुत जगह चाहिए मुझे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा कि शी इज डूइंग हर वर्क, वह उसका कार्य कर रही है, ठीक है। अब मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, She has done her work। देखो दो चीज, एस्पेक्ट किसे कहते समझना, She is doing her work, वह उसका कार्य कर रही है। तो इसका एस्पेक्ट क्या है, इम्परफेक्ट है। इसका एस्पेक्ट क्या है, इम्परफेक्ट, या उसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस। क्या बोलेंगे, देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंपल है ना, परफेक्ट कंटिन्यूअस ये टेंस नहीं है, अपन उसको टेंस बोलते हैं, वो टेंस नहीं है, वो एस्पेक्ट है, अपन उसको गलत बोलते हैं। टेंस तो कौन से, प्रेजेंट और पास्ट, बाकी चीजें टाइम है, फ्यूचर भी टाइम है, फ्यूचर टेंस नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट और पास्ट जो होते हैं वो दो ही टेंस होते हैं, ये तो सारे क्या है, एस्पेक्ट है। तो मैंने इस सेंटेंस के अंतर्गत क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है जिसके साथ लगकर आईएनजी फॉर्म लगती है, तो यहां पर ये क्या बता रहा है, इम्परफेक्ट बता रहा है और कंटिन्यूस बता रहा है। तो ये एस्पेक्ट कैसा है, इसका इम्परफेक्ट और कंटिन्यूस है। अब इसके अंतर्गत ये जो डन है ये कैसा एस्पेक्ट बता रहा है, ये कंप्लीटेड है। ये क्या बता रहा है, कंप्लीटेड, क्योंकि आपका कार्य क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ही हैज कंप्लीट, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, वह उसका कार्य पूरा कर चुकी है। तो इसका एस्पेक्ट क्या है, कार्य कंप्लीशन, कंप्लीशन का एस्पेक्ट है, पूर्ण हो चुका है, और ये कार्य जो है वो कंटिन्यू है, प्रगति पर है, गोइंग ऑन है ना। तो ये क्या है, कॉन्स्टेंट या प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है, जिसको मैं प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट भी बोल सकता हूँ, कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट भी बोल सकता हूँ, और इम्परफेक्ट एस्पेक्ट भी बोल सकता हूँ। और ये जो है वो क्या बताते हैं, टेंस बताते हैं। क्या बताते हैं, टेंस। इज और हैज, इज आया तो अपन को पता चला इज के बाद आईएनजी है, और ये जो है डूइंग ये वर्ब, ये टेंस को भी बताती है, और टेंस को बताती है इन द सेंस जब इज के साथ आईएनजी लगती है ना, इसी हिसाब से। तो डूइंग जो है वो किसको बताते हैं, ये सेंटेंस आपको टेंस और एस्पेक्ट दोनों चीजें बता रहा है। क्या बता रहा है, टेंस और एस्पेक्ट, और ये भी जो सेंटेंस है वो भी आपको टेंस और एस्पेक्ट दोनों बता रहा है। आई बात समझ में, तो ये अब मैंने क्या कहा था, देखिएगा जैसे कि मैंने बात करी थी यहां पर टेंस और एस्पेक्ट, और ये मूड बताता है। ये क्या बताता है, मूड। तो आपको पता चला कि जो प्राइमरी एक्सेलरीज है वो तो क्या बताती है, टेंस और एस्पेक्ट बताती है, लेकिन मॉडल एक्सेलरीज जो होती है वो आपको क्या बताती है, मूड बताती है। क्या बताती है, मूड। जैसे मैंने कहा आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मैं इस हैवी बॉक्स को क्या कर सकता हूं, उठा सकता हूं। क्या कर सकता हूं, उठा सकता हूं।
तो यहां पर ये जो कैन है वो क्या शो कर रहा है, मूड को शो कर रहा है। कौन से मूड को शो कर रहा है, कैपेसिटी को शो कर रहा है, एबिलिटी को शो कर रहा है ना। व्यक्ति इस हैवी, इस भारी बॉक्स को क्या कर सकता है, उठा सकता है। तो उसने क्या शो किया, उसके मूड को एक्सप्रेस किया है ना। क्या क्या किया, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा आपके सामने है ना, शी इज इन अ वाइट ड्रेस, शी इज इन अ वाइट ड्रेस, शी मस्ट बी अ नर्स, शी मस्ट बी अ नर्स। अपन ने किसी लड़की को सफेद कपड़ों में देखा तो अपन ये डिडक्शन, ये कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो वह निष्कर्ष ये किसका मूड बता रहा है, डिडक्शन का मूड बता रहा है, कंक्लूजन का मूड बता रहा है कि ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसने सफेद कपड़े पहने हैं, ये क्लोज इंडिकेट कर रहा है, तो ये वह क्या है, वह मस्ट भी क्या है, एक नर्स है, है ना। कोई व्यक्ति व्हाइट ड्रेस में है, अपने गले में स्टेथोस्कोप लगा हुआ है, घूम रहा है, तो अपन कहेंगे नहीं यही डॉक्टर है जो ऑपरेशन करने वाला, ही मस्ट बी अ डॉक्टर, अपन कहेंगे। तो ये डिडक्शन और कंक्लूजन के सेंस में, और वो क्या एक मूड है। तो आपको मैंने बताया कि आपकी जो प्राइमरी एक्सिलरीज जो होती है, कौन सी एक्सिलरीज, प्राइमरी एक्सिलरीज, वो आपको क्या बताती है, प्राइमरी एक्सिलरीज जो होती है वो आपको एस्पेक्ट और टेंस बताती है, और मॉडल एक्सिलरीज जो होती है वो आपको क्या बताती है मित्रों, मूड बताती है। क्या बताती है, मूड। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि टेंस अपने हेल्पिंग वर्ब को मैंने दो भागों में बांटा, प्राइमरी एक्सिलरीज, मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज जो होती है वो क्या बताती है, टेंस और एस्पेक्ट बताती है, और मॉडल एक्सिलरीज जो होती है वो आपको क्या बताती है, मूड बताती है। क्लियर, आगे। तो यहां पर अपन ने इन चीजों को डिस्कस किया आपके सामने, अब अपन देखते हैं वर्ब को और आगे, ठीक है, और आगे अपन उसको किस हिसाब से देखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसको जानने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो भी स्पेशल वर्ब है, जो भी एनामुलस वर्ब है, ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो भी एनामुलस वर्ब होती है, कौन सी वर्ब होती है, एनामुलस। जैसे मैंने कहा कि एक सेंटेंस लिखा मैंने कि आई एम Not a student. I am not a student. मैं स्टूडेंट नहीं। अब ये जो am not है, इसका contradiction क्या होगा, aren't होगा, क्या होगा, aren't। और इसका जो contradiction क्या होगा, इसका contradiction होता है aren't, क्या होता है, aren't, ठीक है, होता है। इसको जब अपन जो अपने टेक क्वेश्चन पढ़ते हैं उस समय इस तरीके से टेक लगाएंगे इसका, आरंट है ना, इस तरीके से। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एक फेमस इंग्लिश ग्रामरियन होते हैं, एक फेमस इंग्लिश ग्रामरियन होते हैं जिन्होंने ये कहा था कि एनामुलस वर्ब जो होती है वो नॉट की फ्रेंड होती है, एनामुलस वर्ब इज फ्रेंड ऑफ नॉट। क्या कहते हैं, एनामुलस जो वर्ब होती है ना, तो मैंने एनामुलस वर्ब या स्पेशल वर्ब बताया, एनामुलस वर्ब इज फ्रेंड, एनामुलस वर्ब इज फ्रेंड ऑफ नॉट, किसकी दोस्त होती है, नॉट की, ठीक है। ये जो बात है, इट इज सेड बाय एक फेमस ग्रामेरियन है अंग्रेजी के अंतर्गत, जिनका नाम हुआ करता मिशेल वेस्ट। मिशेल वेस्ट नाम के एक फेमस जो मिशेल वेस्ट एक फेमस इंग्लिश में ग्रामेरियन है जिन्होंने ये बात कही थी, फेमस ग्रामेरियन, फेमस ग्रामेरियन मिशेल वेस्ट ने बताया था कि जो एनामुलस वर्ब है, स्पेशल वर्ब है, वो हमेशा नॉट की खास दोस्त होती है, क्योंकि उस हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट अक्सर लगता है।
इसलिए उनकी क्या होती है, फ्रेंड होती है। ये अपन ड्यू टू नॉलेज के लिए अपन जान सकते हैं कि मिशेल वेस्ट नामक एक अंग्रेजी के फेमस ग्रामेरियन ने ये बताया था कि उन्होंने नॉट को जो एनामुलस वर्ब के बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड किसको बताया था, नॉट को। आई बस समझ में। तो यहां पर अपन ने वर्ब को किस किस दृष्टिकोण से देखा, ठीक है। मैंने आपको यहां पर बताया कि प्राइमरी वर्ब जो है और मॉडल एक्सिलरी, सॉरी प्राइमरी एक्सिलरी है और मॉडल एक्सिलरी है, वो क्या क्या चीजें शो करती है, वो चीजें मैंने आपको यहां पर बताई, ठीक है। उसके बाद यहां पर मॉडल एक्सिलरी होती कितनी है, कितनी होती है, 13 होती है। 13 में 10 तो ये होती है और इनको अपन सेमी मॉडल और क्वासी मॉडल कहते हैं। सेमी मॉडल क्यों कहते हैं और क्वासी मॉडल क्यों कहते हैं, वो मैंने आपके सामने बताया, ठीक है। उसके पूर्व में मैंने, उसके पहले मैंने आपके सामने बताया वर्ब में ये टेंस और एस्पेक्ट प्राइमरी एक्सिलरी, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। 24 और इसको अपन क्लोज वर्ड क्लास में इंक्लूड करते हैं। 24 होती है जिसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरी 11 होती है और मॉडल एक्सिलरी कितनी होती है, 13। 13 में 10 तो मुख्य होती है और जो 3 जो होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, क्वासी मॉडल या सेमी मॉडल बोलते हैं, क्योंकि वो एक मेन वर्ब की तरह और एक मॉडल की तरह फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट, उसके पहले मैंने क्या बताया था कि आपको डू फॉर्म, मतलब डू फॉर्म को कैसी वर्ब कहा गया है, डमी वर्ब, जिसकी आवश्यकता होती है तो उसका यूज करते हैं। जैसे मैंने गो का यहाँ पर स्मार्टन करके बताया कि इसके अंतर्गत हमेशा डू जो होता है वो छिपा हुआ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंतर्गत डू या डज या छिपा होता है। अगर यहाँ आई होता, अगर सॉरी यहाँ आई की जगह अगर शी होता, क्या होता है, शी, तो मैं यहाँ क्या लिखता, डज लिखता, है ना, और यहाँ मैं गो लिखता। आई बस समझ में। तो ये जो चीज होती है, ठीक है, उसके पहले और मैंने बताया था कि इसको डिड को, ये मेन वर्ब जिसको अपन कैसी वर्ब बोलते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब भी बोलते हैं, और इसको अपन कैसी वर्ब बोलते हैं, स्पेशल वर्ब या एनामुलस वर्ब बोलते हैं। उसके पूर्व मैंने आपके सामने बात की थी यही एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये ऑर्डिनरी किसको बोलते हैं, एनामुलस किसे कहते हैं, स्पेशल किसे कहते हैं, वही डिस्कस की थी। एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया था और मैंने वर्ब को इस तरीके से क्लासिफाई किया था, ऑर्डिनरी और स्पेशल। उससे पहले तो ऑर्डिनरी और स्पेशल, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब की मैंने फॉर्म्स के हिसाब से कौन सी फॉर्म्स का क्या क्या नाम होता है वो मैंने आपके सामने अच्छे से स्पष्ट किया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। उसके बाद अपन वर्ब को नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब इज क्लासिफाइड, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट वर्ब इज क्लासिफाइड, वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, कॉम्प्लीमेंट के अनुसार, एडवर्ब के अनुसार वर्ब को किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाएगा, और कौन सी वर्ब होगी तो पीछे क्या आएगा, कौन सी वर्ब होगी तो पीछे, मतलब किस वर्ब को अपन, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब कितने प्रकार की होती है वो चीजें बताएंगे, फाइनाइट नॉन फाइनाइट, ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होती है, उन सारी चीजों को अपन डिस्कस आपके सामने करेंगे। बाकी की बात अपन करेंगे आने वाले कल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आई होगी। मैं बिल्कुल वीडियो जो है वो इतने लंबे नहीं बना रहा हूं, आपको इन चीजों को बहुत, मतलब भले 30-40 मिनट का वीडियो होगा लेकिन उसको बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत कंसंट्रेटली उस वीडियो को देखिएगा। मैं एक एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पर भी आपको कोई डाउट, संदेह, किसी प्रकार का सस्पेक्ट होता है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर ग्राउंड लेवल से काम कर रहा हूं, इंग्लिश की जहां पर भी दिक्कत है, ग्रामर की जहां पर भी दिक्कत है, हर प्रकार की चीज को मैं लेकर देख रहा हूं। अब ये जो यही जो वर्ब है, इस वर्ब को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो ये आपके इंग्लिश के बेस को बनाने में बहुत बड़ी हेल्पफुल है, ठीक है। बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी यह क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छे से आपने इस चीज को जाना होगा, और आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इस एग्जाम शिविर स्कूल के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दूसरी चीज, अगर आपको किसी भी प्रकार की, अगर कोई भी बच्चा इस चीज को देख रहा है, डाउट है, तो आप जरूर कमेंट करें। कमेंट करने से आपके जो कमेंट है, वो हमें इंकरेजमेंट करते हैं, आपके जो कमेंट है वो हमारे लिए इन्फोर्समेंट का काम करते हैं। अगर आप कमेंट करोगे, चाहे नेगेटिव करो या पॉजिटिव कमेंट करो, लेकिन कमेंट कीजिए ताकि हमें अगर किसी प्रकार की और कंटेंट में कुछ चेंज करने की जरूरत है, एक्सप्लेनेशन में कोई चेंज करने की जरूरत है, या हमें किस तरीके से डिलीवर करना है उन चीजों को, आप अगर हमें सजेस्ट कर सको तो आप कमेंट करके हमें बताइए, हम हमारा एफर्ट पूरा डालने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।